नमस्ते नमस्कार प्रणाम, हम यंत्रा सिंह प्रियंका, अभी सब देख रहा बानी धून म्यूजिक यूट्यूब चैनल। तो ये चैनल के सब लाइक कमेंट और लाल बटन दबा के सब्सक्राइब जरूर करी, धन्यवाद। तो गबरू जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू। आप बताइए कि आप कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ। मैं कहना चाहूंगा दोस्त, कहना है कि जो भी करते तो खुलेआम करते हैं, जो भी करते तो खुलेआम करते हैं, और आप लोग का बीच गबरू लाल यादव झुकझुक कर सलाम करते हैं। फिलहाल गबरू जी से हमें जानेंगे कि आपका जो फेवरेट स्टार है भोजपुरी में वो कौन है। हमारे बड़े भैया खेसारी लाल है। अच्छा अच्छा, उनको आप बहुत मानते हैं? बहुत। वो जब भी हमको देखते हैं तो माने कि पूरे ध्यान दे देते हैं। आप मिलते हैं उनसे? हाँ, मिल चुके हैं। बिल्कुल, यूट्यूब पर आप लोग देख लीजिए अगर नहीं विश्वास है। अच्छा अच्छा, चलिए चलिए यूट्यूब पे देख लेंगे, विश्वास हो जाएगा। हाँ, पे क्योंकि हाँ, वहाँ पे प्रूफ है आपका। हाँ, तो खेसारी जी से मिलने के बाद जो एक्साइटमेंट होता है, हाँ, वो किस प्रकार का रहता है? जब मिले थे हम बड़े भैया खेसारी लाल से, तो हमको बहुत माने कि बहुत हम अंदर से खुश हो गए थे। इतना नहीं खुश हो गए थे। खेसारी भैया का रिएक्शन कैसा था? एकदम बहुत, उनका भी बहुत खुशी था। हाँ, जो जब वो छोटे या फिर कह सकते हैं वैसे सिंगरों से जैसे हम नीचे में खड़े थे, जब नीचे में खड़े थे तो उनको उनका तो ध्यान हमारे ऊपर पड़ गया था। अच्छा, ये तो मोहब्बत वाली बात है। हाँ, मैंने कि पहले बार जो मिले थे ना, हाँ, पहले तो डांस करके मैंने कि उसको हम इम्प्रेस कर सकते। हाँ हाँ, तो उसके बाद अभी दूसरा में जो मिले थे, पहले बार तो देख ले था, हाँ, तब फिर दूसरा बार गए थे, हाँ, तब देख रहे थे हम ऐसे करके पूरा, तो उनका ध्यान पड़ गया। हाँ, बोला अरे हेने आओ, मैंने उनका तो बातवा सुनते है ना। हाँ, सुनते है। बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है। उनका जैसा माने कि हमको लगता है कोई जोड़ा नहीं है। हाँ, ये तो बात है कि क्योंकि बिहार में जो भोजपुरी इंडस्ट्री के हैं तो एक स्तंभ माने जाते हैं खेसारी लाल जी, हर सुपर डुपर हिट देते हैं। भले लोग को उसके बारे में कुछ बोले, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसका कोई जोड़ा नहीं है। जी जी, तो वैसे सिंगरों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो जो अभी अभी नई नई गायकी के क्षेत्र में आए हैं? हाँ, अगर उनको कोई बड़े स्टार से मिलना हो तो क्या क्या करने पड़ेंगे? मतलब बहुत माने कि मेहनत करना पड़ेगा इस लाइन में। मेहनत हमारे दर्शकों को बताइए, जितने भी देखने वाले हैं हमारे श्रोता भगवान, यही आप लोग से मैं कहना चाहूंगा, जो भी इस लाइन में आने चाहते हैं या गाने चाहते हैं, कोई भी कुछ भी करना चाहते हैं, तो सबसे पहले मेहनत कर लीजिए, उसके बाद आप लोग सब कलाकार देखेगा तो जरूर आगे बढ़ाएगा। जी जी बिल्कुल, मतलब कह सकते हैं सब कुछ खुद के अंदर होता है, लेकिन आपको एडजस्ट करना है लाइफ में, थिंकिंग रखना है कि आप हाँ, दिशा में जाना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं हम। और जब आपका मेहनत एक दिन मुकाम पर पहुंचेगा तो उस दिन पहचान बन जाएगी। हाँ, मैंने कि धीरे धीरे आप करते जाइए करते जाइए। हमको तो यही शौक है कि थोड़ा सा फिल्म में। कितना टाइम निकाल लेते हैं आप गायकी के बाद? जो कह सकते हैं आपकी एक तो फैमिली बैकग्राउंड, जो माँ पापा हैं खेती किसानी करते हैं, आप उनका साथ देते हैं, उनके साथ रहते हैं? जी बिल्कुल देते हैं। उसके बाद फिर आपको कितना टाइम मिलता है अपना प्रिपरेशन करने के लिए, जो जैसे सीजनली जो गाने आते हैं उस सीजनली? देखिए, हमको जब गाने भी गा लेते हैं तब घर से हम फ्री हो जाते हैं, तब बाहर निकलते तो हम गाने पर ज्यादा ध्यान दे देते हैं। उसके बाद हमारे ग्रुप भी चलता है, ऑर्केस्ट्रा ग्रुप। ओके। उसमें भी चलते हैं, बड़े बड़े स्टार लोग के शो भी करते हैं उन लोग के साथ। हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आपकी स्टडी, आपकी पढ़ाई कितनी हुई है? पढ़ाई तो भाई मैट्रिक तक हुआ है। अच्छा, इसके बाद आपने आगे का नहीं सोचा है? नहीं, गायकी में इतना नाम कमा रहे हैं, सुर्खियां बटोर रहे हैं, तो पढ़ाई क्या है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, सबको कह रहे हैं कि और भी पढ़ लो और भी पढ़ लो, लेकिन अब नहीं मन करता है। मैंने इधर से फुर्सते नहीं होते हैं, कैसे पढ़ाई फिर करें। तो आपका एक मंजिल कह सकते हैं, आपने क्या माइंड सेट करके रखा है कि लाइफ में हमको किस मुकाम तक जाके पहुंचना है, इसके बाद फिर क्या? हमको यही सोच है कि थोड़ा सा हम अच्छा आदमी बने, अच्छे से खाएं, अच्छे से कमाएं। और हमारे नन्हे जो नए सिंगर हैं जो हमें देख रहे हैं, हाँ, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही संदेश देना चाहेंगे कि जितने भी हमारे बड़े भाई लोग देख रहे हैं, आप लोग इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कमेंट शेयर करने नहीं भूलिएगा धून म्यूजिक पटना। तो मैं चाहेंगे जितने भी आप लोग अगर आने चाहते हैं तो आप लोग आइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग मेहनत करके माने कि जिस तरह मेहनत होता है उस तरह कर आइए,
आप लोग बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। अब जैसा कि देख रहे हैं लगातार हम लगातार कई से वीडियो डालते रहते हैं, जो वैसे लड़के हमारे पास आते हैं जिनकी फैमिली बैकग्राउंड काफ़ी कमज़ोर होती है, उनके माँ पापा खेती किसानी करके जो पैसे बचते हैं गायकी के क्षेत्र में लगाते हैं और उनका बेटा सक्सेस भी करता है। आप भी हमारे साथ जुड़िए, हमारे वीडियो को देखिए, देखने के बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हम किस स्तर से काम करते हैं, कितना हम लोगों को प्रमोट करते हैं और साथ ही उन्हें बताते हैं कि आपकी कैरियर किस दिशा में जाएगी और आप कैसे सक्सेस करेंगे।